कुछ कंफ्यूजन और डाउट भी था मुझे कि जाऊं या नहीं जाऊं। मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे बहुत कुछ होता है, तो वो सोच के कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। गूगल रिव्यूज को देख के मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि चलो लेट मी ट्राई, बट यहाँ पे आके मुझे फील हुआ कि नहीं, जिन लोगों ने रिव्यूज दिए हैं अब जस्टिफाई करते हो आप। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी यहाँ पे आके, आप लेमैन लैंग्वेज में समझाते हो, बिकॉज जॉब जो करते हैं उनका भी शिफ्ट थोड़ा, क्योंकि मेरा सेम चीज हो रहा था। सो मैंने तो बहुत इंस्टेंट डिसीजन लिया, थोड़े गूगल रिव्यूज चेक किए, देन आई जस्ट कॉल्ड यू एंड आई डिसाइडेड कि हाँ ज्वाइन करना है। एंड 5 डेज सुन के ऐसा लगता है 5 डेज ही है, बट ऐसे 2-3 महीने का सोचेंगे ना तो जॉब करते करते फिर वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड सेकेंड गुड थिंग कि कभी कभी बहुत सारा रिसर्च करने के बाद भी हम लोग गलत जगह पे पहुंच जाते हैं। मेरे इस केस में थोड़ा एक्सपीरियंस बेस्ट रहा है, फर्स्ट कॉल फर्स्ट जो सही लगा। एंड सेकेंड थर्ड थिंग आपका जो वे ऑफ टीचिंग है एंड प्लस बहुत ऐसे सिंपल बेसिक लैंग्वेज में बताते हो, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये होने के बावजूद आपका सपोर्ट रहने वाला है, या फिर हम लोग वापस कोई सेशन अटेंड कर सकते हैं अगर कोई डाउट है, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। क्योंकि उन्होंने क्लास जब इंक्वायरी किया था तो उन्होंने बताया था कि हाँ सर अभी हमारा कोई क्लास चल रहा है हम करेंगे, लेकिन डिटेल शेयर किया, क्विक रिस्पॉन्स आया, क्विक स्लॉट बुकिंग किया, तो फास्ट जिस समय, तो ट्रेडिंग में भी आपको ऐसे ही फास्ट अवेलेबल होना है। जिस तरह से याद लेकिन किया तो कोई पसंद आ गया तो क्विक लगवाते हैं कि मार्केट में पैसा बनाना है, 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज, करेज एंड पेशेंस। तो नॉलेज बोरो कर रहे हैं आप, अच्छा दिख रहा है लेकिन करेजिस हैं कि नहीं, ठीक है, करेज है तो पेशेंस करने का है, होल्ड करने का पेशेंस करना है, सही डायरेक्शन में आपने पेशेंस रखा चलने का, तो क्योंकि समय बनिए तो